हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियो डायबिटिक एक्सपर्ट हूँ, पटना बिहार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो मुझे एज अ फीडबैक पूछा गया अपने पुराने वीडियो से रिलेटेड। मैंने एक वीडियो बनाई थी लिपिड प्रोफाइल से रिलेटेड, जिसमें मैंने ये बताया था कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, व्हाट इज लिपिड प्रोफाइल, वो कब कराना चाहिए। वो वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं और पुराने वीडियो में वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करूंगा, जो सवाल ये पूछा गया है कि आप अपने बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे हटा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है, उसको एक्चुअली मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू होने से पहले हमारे YouTube चैनल को जरूर लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपको अच्छा लगे तो नोटिफिकेशन का आइकन, बेल का आइकन होता है, उसको भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहूँगा कि कैसे बैड कोलेस्ट्रॉल को आप अपने बॉडी से हटा सकते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए आपको मैं कुछ चार पार्ट में इस चीज़ को डिवाइड करूँगा। आपका पहला पार्ट होगा कि आपका डाइट क्या होना चाहिए, दूसरा होगा कि आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, तीसरा जो होगा आपके हैबिट से रिलेटेड होगा, और चौथा जो होगा वो आपके वेट से रिलेटेड होगा। तो चलिए बात करते हैं कि डाइट में क्या क्या चेंजेस हमको करना है जिससे हमारे बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर ना जमे या कलेक्ट नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने सैचुरेटेड फैट्स कम करने होंगे। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो कि यूजुअली आपको फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं या रेड मीट में पाए जाते हैं। ऐसे फूड का कंजम्पशन ना करें या अवॉइड करें, इससे आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल अगर कम हो, मतलब अगर आप कम कंजम्पशन करेंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं। फिर आप अपने बॉडी, मतलब अपने फूड में से ट्रांस फैट को एलिमिनेट कर लीजिए। ट्रांस फैट मतलब जैसे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स रहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो बाहर में मिलते हैं। मैं ऐसे हर प्रोडक्ट्स का नाम नहीं ले सकता, बट यस, इफ़ देर इज़ पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल अगर है उसमें, है ना, तो अगर वो है तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि उससे भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और अब आगे और क्या है, वो ये है कि आप अपने डाइट में ओमेगा 3 की फैटी एसिड्स को बढ़ाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें ज़्यादा है वो चीज़ें खाएं, उससे आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कम होने में प्लस कलेक्ट नहीं होने में काफ़ी मदद मिलती है और आप हेल्दी रह सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का यूजुअली रिच सोर्सेज होती है सैलमन फिश होती है, फ्लैक्स सीड ऑयल होता है या फ्लैक्स सीड होता है, वॉलनट्स होते हैं। इन सब चीज़ों से जो है आपको ओमेगा 3 अच्छा लेने से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। उसके बाद आ जाते हैं फाइबर्स पे। फाइबर्स में भी यूजुअली हम बात करेंगे सिर्फ सॉल्युबल फाइबर्स, ना कि इनसॉल्युबल फाइबर्स। सॉल्युबल फाइबर्स एक्चुअली कई प्रोडक्ट्स में होते हैं, जैसे एप्पल में होते हैं, पियर में होते हैं ना, जिसको, और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी होते हैं, जो फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं, लाइक कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे आपकी दही हो गई, योगर्ट हो गई, है ना, उसमें से आपको सॉल्युबल फाइबर अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। उसको खाने से जो है आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा जो है ना एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसकी वजह से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है आपके बॉडी में कम जमा होता है। और फिर हम बात कर सकते हैं, आपको एक और तरीका है जिससे हम बता सकते हैं, वे प्रोटीन अपने खाने के इसमें बढ़ाइए। अगर आप वे प्रोटीन बढ़ा लेते हैं, है ना, अपने खाने में, वो मैं वो वे प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ जो बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ नॉट वे प्रोटीन। वे प्रोटीन कहने का मतलब ऐसे जो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल सकता है, है ना, उसका आप कंजप्शन अगर ज़्यादा करेंगे तो आप अपने बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल हटा सकते हैं। अगर इनके बारे में डिटेल्स देखना है तो आप आसानी से गूगल कर सकते हैं कि वे प्रोटीन के नेचुरल सोर्सेज क्या है या सॉल्युबल फाइबर के नेचुरल सोर्सेज क्या है, ट्रांस फैट किस किस प्रोडक्ट्स में रहता है आप देख सकते हैं, और सैचुरेटेड फैट्स किस किस प्रोडक्ट में रहता है आप इजिली गूगल पर सर्च करेंगे, आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में आपको यूजुअली डिटेल्स मिल जाएंगे। नाउ अब हम बात करना चाहेंगे आपसे कि एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो उससे भी आपका जो बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है या ख़त्म, मतलब काफ़ी नॉर्मल रेंज में आ जाता है जो कि उसका रेंज रहना चाहिए, और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है कि व्हाट इज़ ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक कैसे करना है, कितने देर करना है और किस स्पीड में करना है। या फिर अगर आप वर्क पे जाते हैं तो इफ़ पॉसिबल आप साइकिलिंग करके जा सकते हैं। अगर आप चलना चाहें तो आप अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा सा वॉक करके जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगर वर्क प्लेस 10 किलोमीटर है तो आप 10 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो बैड, बिकॉज एनीथिंग एक्सेस, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे वो फूड हो, ये आपके बॉडी के लिए बैड साबित हो सकती है। तो एक्सरसाइज करें, जो रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड ये है कि एटलीस्ट हफ्ते में 150 मिनट्स, मतलब पर डे अगर आप आधा घंटा भी वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है एक हेल्दी हार्ट को और बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से हटाने के लिए। अब हम बात करते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग भी आपके कोलेस्ट्रॉल पे
काफ़ी असर करता है। मैं जल्दी ही इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आखिर स्मोकिंग से कोलेस्ट्रॉल, अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं, वो मैं एक्चुअली नहीं होगा तो मेरे रील्स में या शॉर्ट्स में मैं बताने की कोशिश करूंगा। बट यस, अगर स्मोकिंग की आदत है उसको छोड़ दे, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, बैड कोलेस्ट्रॉल स्पेशली जो है, काफ़ी बढ़ सकता है बॉडी में और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। अब नाउ बारी आती है चौथे बात की, वो है आपका वेट। अगर आप अपने वेट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर वेट में गेन होता है तो आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इनफैक्ट बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगर आपका बॉडी वेट घटता है तो उसमें जाहिर सी बात है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल घटेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की भी उम्मीदें रहती हैं। तो अगर आप अपने बॉडी वेट को वाकई में कम करते हैं, जो कि आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं, अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट कम रखें, थोड़ा प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा दें, वाटर का अमाउंट बढ़ा दें, जो बीच में स्नैक्स लेते हैं वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो, वो रिच इन प्रोटीन हो, ये सब चीज़ें अगर आप लेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और एक चीज़ को हमारे ज़रूर याद रखें, वो एक चीज़ क्या है, अगर इन सब चीज़ों से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम नहीं होता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मेरे सलाह लें और इसके बारे में फर्दर जानें, और इफ़ पॉसिबल जो भी आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है उसको फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगी और अगर आप इसको समझेंगे तो आप अपने हेल्थ को काफ़ी अच्छा रख सकते हैं। तो हमारी ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते रहें, उसको फॉलो करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि हर लोगों को पता चले कि बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल हटाना कैसे है। चलिए फ्रेंड्स, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।